व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कंप्लीट रिव्यू इस नए ज़बरदस्त डिवाइस का। ये है दोस्तों F19 Pro Plus 5G। जी हाँ, F19 की जो दो सीरीज़ लॉन्च होने वाली थी, दो डिवाइस प्रो और प्रो प्लस 5G, तो ये गाइस 5G वाला वेरिएंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 5G वाला वेरिएंट हमारे पास में आ गया है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल जो है ना वो देने वाला हूँ, एकदम एक चीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं दो चीज़ें जो है ना आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो है दोस्तों, हमारे पास में जहाँ से ये डिवाइस आया है उस शॉप की पूरी डिटेल्स जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से जाके दोस्तों आप चाहिए तो इसको ले सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो शॉप जो है ना दोस्तों आपको डील्स देने में बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ पर से जाके आप, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही डिवाइस, आप कोई भी डिवाइस अगर परचेस करोगे, उनसे अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको एक अलग से शॉप जो है ना वो अपनी तरफ से गिफ्ट्स भी देगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो जो भी उनका वो टाइम पे रहता है ऑफर, तो उसके हिसाब से जो है ना वो गिफ्ट देते हैं। तो इसलिए गाइज, अगर आपको डिवाइस के ऊपर कुछ छोटी फ्रीबीज चाहिए तो उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी कुछ है वो सब आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। दूसरी चीज़ ये गाइज कि मैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा। मैं अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये एक डिस्प्ले पीस है और डिस्प्ले पीस ऑलरेडी ओपन होता है तो उसकी अनबॉक्सिंग नहीं होती। और वैसे भी गाइज, जो फ़ोन आपको आपको चाहिए या जिस फ़ोन का रिव्यू आपको देखना है, उसकी अनबॉक्सिंग देखने से कुछ नहीं होता है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो उसका रिव्यू होता है, उसके बारे में डिटेल्स होती है, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इससे पहले भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि क्या फेक फ़ोन है यार, अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई। अरे यार, मतलब मेरी ये बात समझ में नहीं आती, अनबॉक्सिंग दिखाओगे तो मतलब फ़ोन रियल है और अनबॉक्सिंग नहीं दिखाओगे तो मतलब फ़ोन फेक है। मतलब फोन सामने लेके बैठा है बंदा, ये देखो, ये फोन सामने लेके बैठा है इंसान, उसके बाद में फेंक है। ऐसे कोई बात नहीं, चलो आपकी अपनी थिंकिंग होती है। वैसे गाइज, यहां पर फटाफट से बढ़ता हूं मैं इस फोन की तरफ और सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। यहां पर गाइज, सबसे पहले अगर आप डिजाइन को देखोगे तो आपको यहां पर रेयर में जो है ना एक रेक्टेंगल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। अब ये जो है ना कैमरा मॉड्यूल एक स्टैंडर्ड कैमरा मॉड्यूल है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ ऐसी यूनिकनेस है। और इसमें आपको क्वाड सेटअप मिल जाता है और जो आपको स्टैंडर्ड कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है उसके बीच में जो है ना आपको फ्लैश सिचुएटेड मिल जाता है। यहां पर इस कैमरा मॉडल से रिलेटेड मुझे एक बात ये समझ में आई है कि इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसको थोड़ा और कम कर सकते थे। अब इससे दोस्तों सिचुएशन ये होगी कि जब भी आप इसको कहीं भी रखोगे, कोई भी प्लेन सरफेस पे आप रखोगे, तो वहां पर आपको जो है ना बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो आपके फोन के लेंसेज है ये डायरेक्टली जो है ना वो सरफेस पर टच होंगे और यहां पर चांसेस है कि आपके लेंस पर जो है ना वो स्क्रैचेस आ जाए, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इसके साथ में गाइस, जो ये कवर आपको मिलता है, ये कवर बहुत जबरदस्त चीज है क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके जो ये लेंसेज है इन लेंसेज को प्रॉपरली जो है ना वो कवर कर लेता है। तो इस कवर को लगाने के बाद में जब आप कहीं सरफेस पर इसको रखते हो तो वहाँ पर फिर आपके फ़ोन के लेंसेज को जो है ना वो इतना नुकसान नहीं होगा और वो स्क्रैचेस से बच जाएंगे। बात करूँगा दोस्तों मैं इसके रेयर के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो इसमें आपको कर्व्ड शेप मिलता है जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। एक्चुअली में है ये एक मिड रेंज डिवाइस, लेकिन जिस तरीके का इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है वो एकदम फ्लैगशिप लेवल का है। मुझे बहुत पसंद आया गाइस इसका जो कर्व्ड डिज़ाइन इसमें आपको मिलता है और ये जो है ना एकदम प्रीमियम फील देता है आप अगर इसको हाथ में इस तरीके से कैरी भी करोगे तो। वैसे फ्रंट में इसमें आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक पंच होल कैमरा देखने को मिलता है और आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, मतलब आपको डिस्प्ले में जो है ना कोई भी कर्व डिजाइन नहीं मिलेगा। बात करूंगा दोस्तों दूसरी डिटेल्स के बारे में, तो यहां पर आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है और सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है और राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको थोड़ी मतलब हैबिट लगानी पड़ेगी इस चीज़ को क्योंकि जनरली क्या होता है, ज़्यादातर डिवाइसेस में राइट साइड में ही आपको पावर बटन भी मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको आजू बाजू में मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़ी आपको आदत लगानी पड़ेगी। वहीं पर बात करूँगा बॉटम के हिसाब से, तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो स्पीकर्स का स्लॉट मिल जाता है, उसके बाद में आपको टाइप सी USB स्लॉट मिल जाता है, उसके बाद में आपको माइक मिल रहा है और उसके बाद में आपको 3.5mm जैक का स्लॉट मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 3.5mm जैक का स्लॉट भी मिल रहा है। बात करूंगा दोस्तों मैं अब फिंगर लॉक के बारे में, तो इसका फिंगर लॉक मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत फास्ट है और बहुत रिस्पॉन्सिव है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिलता है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें इसको हल्के से टच करता हूँ और ये जो है ना फ़ोन ओपन हो जाता है, मतलब हल्का सा प्रेस करोगे और फ़ोन जो है ना आपके सामने अनलॉक हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे ही आप टच करोगे अपना थंब डिस्प्ले पे और फ़ोन आपका अनलॉक हो जाता है। वहीं पर गाइस इसका जो फेस अनलॉक है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने फेस को ऐसे अनलॉक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फ़ोन है और मैं इस तरीके से दिखाऊंगा और ये देखिए ये अनलॉक हो गया फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरीके से देखूंगा और ये देखिए अनलॉक हो गया फ़ोन। मैं फिर से दिखाता हूँ,
इस तरीके से देखूंगा और ये देखिए फोन अनलॉक हो गया। तो गाइज इसका फेस अनलॉक भी बहुत ज़बरदस्त है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है। अगर ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा तो डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। वन वर्ड अगर आपको बोलूँगा तो मिड रेंज के प्राइस में आपको फ्लैगशिप डिज़ाइन मिल रहा है बस। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले के रिव्यू को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने इस फ़ोन का डिस्प्ले रिव्यू करने वाला हूँ। उसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको 409 की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा, आपको इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। गाइज इसमें सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है वो ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले का फीचर लगा है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन भी मिलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन का जो फीचर है वो एक्टिवेट कर सकते हो। बाद में इसमें आपको डार्क मोड का फीचर भी मिलता है। जी हाँ, तो मतलब डार्क मोड तो आपको मालूम ही है, अगर आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है रात में कभी आप फोन यूज कर रहे हो तो आप डार्क मोड में उसको चेंज कर सकते हो। तो जो भी बैकग्राउंड है सब कुछ है वो इसका जो है ना एकदम डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली कंटेंट प्लेइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है गाइस। इसमें मैंने 4K वीडियो को प्ले करके देखा और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथ, एकदम लैग फ्री प्ले हो रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कलर्स जो है ना एकदम विविड निकल के आ रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि सैचुरेशन जो है ना वो बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर सैचुरेशन में दोस्तों एक बात और है कि कुछ ज़्यादा ही डिस्प्ले ने सैचुरेट कर दिया था कलर्स को, जहाँ पर थोड़े से फेक कलर्स लग रहे थे। लेकिन फिर भी गाइस अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूंगा डिस्प्ले को तो वो बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इसके कैमरा डिटेल्स को लेके। यहाँ पर गाइस इसमें आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर और आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। यहाँ पर गाइस कैमरे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगा है इसका मैक्रो सेंसर। काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो आप मैक्रो सेंसर से और बहुत एक्यूरेट भी है। लेकिन मैक्रो सेंसर में गाइस एक ड्रॉबैक वाली बात यह है कि जब आप मैक्रो फोटोग्राफी करोगे तो उसमें आप 16:9 का जो एक्सपेक्ट रेशो है वो नहीं रख सकते हो, आपको आई थिंक 4:1 का एक्सपेक्ट रेशो रखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करूँगा अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में, तो इसमें 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग होती है, 60 FPS पे रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 720p रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन तीनों ही रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर पाओगी क्योंकि 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन इस फोन में अवेलेबल है नहीं। और यहाँ पर गाइस वीडियो के सेक्शन में मुझे एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी है कि इसमें आपको डुअल व्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, डुअल व्यू इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब ज़्यादातर जो व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए बहुत काम आता है। दोनों ही कैमराज जो है ना वो साइमल्टेनियसली एक साथ जो है ना वो एक्टिवेट होंगे। अब इसमें दोस्तों आप अलग अलग लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे 3 लेआउट मिलते हैं आपको इसमें, तो जो भी आपको सही लगे आप वो सिलेक्ट करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर गाइस अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा तो कैमरे के हिसाब से मुझे ये फ़ोन इतना खास नहीं लगा है। वैसे गाइस जब मैंने इसके फीचर्स का रिव्यू दिया था तो वो टाइम पे भी मैंने आपको बता दिया था कि कैमरे के हिसाब से मुझे ये फ़ोन नहीं लगा है। आज जब डिवाइस हाथ में आ गया है तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं वो बोल रहा हूँ कि कैमरे के हिसाब से फ़ोन इतना खास नहीं है। यहाँ पर गाइस जो सबसे मेन बात है फ़ोन के बारे में बात करने के लिए वो है इसका हार्डवेयर। जी हाँ, इसमें आपको डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर मिलता है, 5G प्रोसेसर है, अफोर्डेबल 5G प्रोसेसर, मीडियाटेक की तरफ से ज़बरदस्त प्रोसेसर है। और जो डिवाइस हमारे पास में है इस वक्त ये 8GB रैम वाला डिवाइस है, तो वो बहुत ज़बरदस्त बात है। इसमें गाइस मैंने ट्राई किया है कॉल ऑफ ड्यूटी और वो कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है बहुत ज़बरदस्त चला है, एकदम स्मूथ चला है, लैग फ्री रहा है, बिल्कुल लैग नहीं हुआ है, एकदम स्टटर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों गेम जो है ना वो चला है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके का डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है उसके हिसाब से तो गेम्स के कलर्स एंड एवरीथिंग वो भी एकदम ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मैं ये बोलूँगा गाइस के हार्डवेयर के हिसाब से फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है, अगर आप हार्डवेयर के हिसाब से परचेस करना चाहते हो देन दिस इज द राइट फ़ोन फॉर यू। तो गाइज यहाँ पर मेरा एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू हो गया इस फोन को लेके, जो कि है ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना गाइज। मैंने ज़्यादातर एक्सपेक्ट जो है ना वो कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना मैं छोड़ूँ नहीं और कम वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। वैसे क्या सर, आपने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए ताकि इन फ्यूचर इस तरीके के गैजेट से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर पढ़ते रहेंगे, तो उससे जो है ना दोस्तों आप अपडेटेड रहोगे। तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो सब जगह पर शेयर कीजिएगा इस, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया आपका अकाउंट है, सब जगह पर शेयर कीजिए फटाफट, एकदम वायरल कर दीजिए वायरल। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।